हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आज की इस वीडियो में हम जो तैयारी करने वाले हैं आपकी जीके की क्वेश्चंस की करने वाले हैं, जो कि आपका सेक्शन एक है जनरल अवेयरनेस का, तो उसके क्वेश्चंस की हम तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह 25 अगस्त तक आ जाएगा, और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। 25 अगस्त से ठीक एक दिन पहले आपका जो है क्या हुआ, रिजल्ट आया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड में यदि आप देखना चाहें तो हम आपके लिए मैथ के जो हैं क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। उनको हम अभी समझाएंगे नहीं, आपको केवल उन्हें करके देखना है और देखना है कि उन क्वेश्चंस को करने में कहां पर दिक्कत आ रही है। यदि किसी भी जगह पर आप अटक रहे हैं तो आप हमें कह सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के माध्यम से। किसी भी माध्यम से करें, हम आपको उस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन, या फिर पूरे ही जितने भी हम 40 के 40 क्वेश्चन दिखाएंगे, उन सभी का आपको क्या कर देंगे, आंसर से आपको अवगत करा देंगे आखिर यह किस तरह से सॉल्व होगा। दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास 4, चंबल, इंद्रावती, टोंस और बेतवा। तो आप जानते होंगे कि चंबल, इंद्रावती और बेतवा ये क्या हैं, तीनों ही यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन जो टोंस है वह सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, वह एक तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, दूसरा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, और थर्ड है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है वह आपका सोडियम क्लोराइड, जो वॉशिंग सोडा का आपका रासायनिक नाम है वह कैल्शियम कार्बोनेट, और जो बेकिंग सोडा है आपका खाने वाला सोडा उसका नाम है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि खाने, जब आदमी खाना खाता है तो उसको एक बाय की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में आ जाता है, वो बेकिंग सोडा में आ जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा खाने वाले उसमें डलता है, बाय जो है गैस को कम करने में मदद करता है। उस तरह से वॉशिंग सोडा यहाँ पर केवल कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो इन दोनों में इस तरह से अंतर आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी फाइलम एनिलिडा समूह से संबंधित है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार देखे गए हैं कि किस कौन सा जो है प्राणी है किस समूह से संबंधित है, किस किंगडम से संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर फाइलम एनिलिडा समूह से कौन से संबंधित है, मकड़ी, ऑक्टोपस, अर्चिन या जोंक? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है जोंक। जोंक जो है वह फाइलम एनिलिडा समूह से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है इसी तरह से कि ऐसी कौन सी मछली है जिसकी ना तो हड्डी है, ठीक है, और ना ही क्या है, दिमाग है। वह कौन सी मछली है, वह है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्मारक में अकबर का मकबरा स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला, सिकंदरा का किला, आगरा का किला या फिर आमेर का किला? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है सिकंदरा का किला। तो इसमें अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदर के किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, जब लोहा हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर लोहा किस तरह का दिखने लगता है, तो लोहा किस तरह का लाल कलर का दिखने लगता है, तो वह लाल मिट्टी क्या हुई सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाए जाने वाली मिट्टी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड का
लोक नृत्य है। तो नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करके रख लेने हैं पहले ही, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार देखे जाते हैं कि आखिर किस जगह का या फिर किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन आपका टकरा ही जाएगा, तो इसे ज़रूर याद कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, खम्बा थोबी, मुखोटा नृत्य, भगोरिया नृत्य, जेलियांग। तो इसका जो राइट आंसर है नागालैंड का लोक नृत्य वह है जेलियांग नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत की श्रेणी क्या है, यानी कि कौन सा स्थान आता है? दोस्तों बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यह एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, इसलिए हम फिर भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं इसको। तो ऑप्शन हमारे पास तीसरा, सातवां, पांचवां, चौथा। तो आप जानते ही हैं सभी, सातवां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद डैश प्रतिशत के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों आप जानते ही हैं, यह क्वेश्चन है तो पुराना 2016-17 का है, लेकिन यह 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2019 के सितंबर में आया है यह जो आपका क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ यह इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य था यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, वह कौन सा था? 2.7, 3.5, 4.25 या फिर 2.5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है 3.5। यहाँ पर 3.5% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया है। तो यहाँ पर घाटे के जो लक्ष्य को पूरा किया है, उसी वजह से यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वाद परीक्षण करने वाले पैनलों के अनुसार पीने के पानी की स्वादिष्टता को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाता है यदि पानी में घुले हुए ठोस जो हैं वह कितने होते हैं? यदि वह 400 मिलीग्राम पर लीटर से कम होते हैं, 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम होते हैं, या फिर 700 मिलीग्राम लीटर से कम होते हैं, या फिर 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम यदि होते हैं तो इस पानी को मीठे पानी यानी पीने योग्य पानी के रूप में ठीक माना जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। दोस्तों WHO का जो है हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, वह है जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है इनमें से? उस्ताद अल्लाह खान, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, उपलपू श्रीनिवास, या फिर उस्ताद अमजद अली खान। तो जो उस्ताद अमजद अली खान है वह यहाँ पर एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उसी तरह से आपको बांसुरी के लिए भी याद रखना है कि बांसुरी की फील्ड में कौन है, वह आपके चौरसिया साहब। और तो और इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं उनको एक बार ज़रूर रिमाइंड कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन यदि आए तो वह छूट ना पाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी किंगडम मोनेरा से संबंधित? देखिए मैंने ऊपर ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके कहीं भी आ सकते हैं। तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन यह आया है यहाँ, शंबुक, नीले से हरे सहवाल, एस्केरिस, या फिर स्थलीय घोंगा। तो इनमें से कौन सा प्राणी किंगडम मोनेरा से संबंधित है? तो वह नीले हरे सहवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप अन्य राज्यों की तरह काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है उसे नहीं पाएंगे, जैसे कपास मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं? ठीक है, बड़े पैमाने पर नहीं पाएंगे। तो वह तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या हरियाणा में से कौन सा राज्य है? तो वह है आपका हरियाणा राज्य। दोस्तों हरियाणा में जो है काली मिट्टी जो है बड़ी मात्रा में नहीं पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप सभी जानते ही होंगे इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर में, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका, त्वचा, आंत, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर वन, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिका यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट है,
लिंग अनुपात का सही परिभाषा क्या है, ठीक है, लिंग अनुपात की सही परिभाषा क्या है। महिलाओं के प्रति 10,000 पुरुषों की संख्या, 21 वर्ष से ऊपर वाले 1,000 पुरुषों में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की संख्या, या फिर 10 और 16 वर्ष की आयु के बीच के प्रति 1,000 लड़कों में उस उम्र की लड़कियों की संख्या, या फिर प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इसका फोर्थ जो आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है, वह बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है, सूखा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण रतुंदी होता है, विटामिन सी की कारण क्या होता है स्कर्वी, और विटामिन के कारण क्या होता है रक्त के थप्पे, ठीक है। दोस्तों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए आपको याद रखना है, विटामिन B1-2 से क्या होता है बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन इतने जितने भी क्वेश्चन है विटामिन से रिलेटेड किसी कमी से क्या होता है वह जरूर याद रखें। डिप्थीरिया में से किस हिस्से को प्रभावित करता है? जो डिप्थीरिया है वह निम्नलिखित में से किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो वह जोड़ों को, या फिर पैर को, या फिर गले को, या फिर त्वचा को। इसका जो राइट आंसर है वह है गले को। गले को जो है डिप्थीरिया क्या करता है, प्रभावित करता है। पारसी नववर्ष दिन क्या कहलाता है? जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला ऑप्शन नवरोज नोरोज, दूसरा ऑप्शन साधे खोरदार वर्ष, चौथा ऑप्शन मेहरागन। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल करेक्ट है, जो कि नवरोज नोरोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार न्यूनतम डैश का सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी 22 फसलों तक बढ़ाया जाएगा। तो यह हाल ही का करंट क्वेश्चन है, पिछले साल का ही, कि कितना जो है मिनिमम सुनिश्चित समर्थन मूल्य जो है बढ़ाया गया है। तो वह कितना है, कितना है? 0.25, 1.5, 0.5 और 1। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इडली या डोसा के आटे का किण्वन कारण बनता है? दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे एक क्या है इसका, तो वह है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजस्व प्राप्तियां, धन, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां और कुल खर्च के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं मैं, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, या फिर प्राथमिक घाटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, राजकोषीय घाटा। यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 2 चालू कर दिया हमने, यहाँ पर 20 क्वेश्चन ऊपर हमारे पूरे हो चुके हैं और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो सुधीरमन कप बैडमिंटन 2019 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पास हैं, जापान, कोरिया, चीन, हांगकांग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चीन। तो चीन ने क्या है यह खिताब जीता है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फीफी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, द गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, या फिर मंथन पुरस्कार। दोस्तों यहाँ पर द गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है वह कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है वह साहित्य के लिए है, और एक पृथ्वीकर पुरस्कार होता है वह किसके लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए दिया जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो है वह मुद्रा शास्त्र कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका सीधे सीधे हमने आंसर बता दिया आपको, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान, चंगेज खान, मोहम्मद गोरी, या फिर महमूद गजनवी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों पहला युद्ध जो है वह 1191 में हुआ तराइन का, और दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। तो युद्ध का ईयर भी याद रखना और किस किस के बीच में हुआ वह भी याद रखना।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त हर साल मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून, 17 नवंबर, 7 मार्च या फिर 20 जनवरी? तो यह मनाया जाता है आपका 16 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाग 4 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है या फिर केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या नागरिकता से? तो इसका जो राइट आंसर है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बावन नामा जो है वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो बावन नामा जो है वह खुद बाबर ने लिखी थी दोस्तों, और जो हुमायूं नामा है हुमायूं के ऊपर जो लिखी गई थी वह गुलबदन बेगम ने लिखी थी। दोस्तों इन दोनों को याद रखना, बावन नामा बाबर ने और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह हैं हमारे कौन, बाल गंगाधर तिलक जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नरोजी? तो दादा लग गया दोस्तों, तो यह ओल्ड आपके घर में जो सबसे ज़्यादा ओल्ड होंगे उसको आप क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। तो दादा से आप याद रख सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन आता है आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वह कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों को ज़रूर याद रखें, बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, विस्काउंट कैनिंग या फिर रेजिनाल्ड डायर? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, रेजिनाल्ड डायर, जनरल डायर। निम्नलिखित में से किसने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की? तो बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? कोप्पिलिल राधाकृष्णन ने या फिर कैलाश सत्यार्थी ने, राजेंद्र कुमार पचौरी ने, बाबा आमटे ने? तो इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी ने। जब आप कैलाश सत्यार्थी देखते हैं तो इससे क्वेश्चन जरूर याद आना चाहिए आपको कि सत्यार्थ प्रकाश जो है उसके लेखक कौन हैं। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वह आपके दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। दयानंद सरस्वती का नाम आते ही आपको यह याद रखना है कि विवेकानंद सरस्वती जो थे उनका नाम क्या था पहले, तो उनका नाम पहले क्या था, नरेंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको सतपुड़ा पर्वतमाला नहीं मिलेगी? तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आपको यह पर्वतमाला मिलेगी लेकिन राजस्थान में नहीं मिलेगी। मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है, बेसबॉल में, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में या फिर हॉकी में? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। तो हॉकी में जो आपका मुरुगप्पा गोल्ड कप दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा की स्थापना करने और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों द्वारा को संविधान सभा के सदस्य बनने से रोकने के बाद विधानसभा के सदस्यों की अंतिम संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो दोस्तों वह 299 रह गई थी। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जब संविधान बना ही बना था तो शुरुआत में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो वह थी आपकी 498 या फिर 499। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे पक्का याद नहीं है। ठीक है, 499 है या फिर 498, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जून 2019 में है? दोस्तों यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि जून 2019 लिख दिया तो आप सोचेंगे अजीत डोभाल से पहले वाले होंगे, लेकिन जून 2019 में भी क्या थे, अजीत डोभाल ही थे। ठीक है, और आज की डेट में भी अभी भी अजीत डोभाल ही वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यमेव जयते का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? सत्यमेव जयते का प्रसिद्ध नारा जो है वह चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या मदन मोहन मालवीय ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वह मदन मोहन मालवीय ने जो है क्या दिया था, सत्यमेव जयते का प्रसिद्ध नारा दिया था। एक पुस्तक की माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो वह किसने लिखी, वह दोस्तों गांधी जी ने लिखी। बहुत बार क्वेश्चन आया है तो इसको ज़रूर याद रखें।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लिखकर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप और आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1945 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सभी प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता जो है जेल में बंद कर दिए गए थे, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रत्येक में से एक ऐसे दो प्रमुख नेताओं ने कथित तौर पर भविष्य में गठबंधन की सरकार के लिए एक गुप्त सौदा किया था जिसमें मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलने और एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की मांग छोड़ने पर सहमति बनी थी, तो उस सदनी में कौन से दो नेता शामिल थे, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास भूलाभाई देसाई और लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और मौलाना सैयद हुसैन अहमद, वल्लभ भाई पटेल और सर सैयद अहमद खां। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भूलाभाई देसाई और लियाकत अली खां। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, गुप्त सौदा हुआ था। भारत का अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो 19, 15, 10 या 14, इसका राइट आंसर है 14। दोस्तों मूल कर्तव्य भी याद रखने हैं किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान में वर्णित किए गए हैं, तो वह 51 का या फिर 51A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रसिद्ध ईडन गार्डन जो है कहाँ स्थित है, तो भारत का प्रसिद्ध ईडन गार्डन जो है आपका वह कलकत्ता में स्थित है, तो ज़रूर याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन हवाई दल के वर्तमान वाइस चीफ हैं, तो हवाई दल के वर्तमान वाइस चीफ कौन है, यहाँ पर अनिल खोसला, राकेश कुमार भदौरिया, वीरेंद्र सिंह धनोआ या फिर RD माथुर। तो यहाँ पर जो राकेश कुमार भदौरिया हैं वह क्या हैं आपके, क्या हैं वर्तमान वाइस चीफ हैं, और इससे इनसे पहले जो थे वह थे वीरेंद्र सिंह धनोआ यानी कि BS धनोआ। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा पिछले कौन थे और अब कौन है। उसी तरह आर्मी चीफ और उसी तरह नेवी के, तो नेवी का सर्वोच्च पद पर कौन है और आर्मी के सर्वोच्च पद पर कौन है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अपने, कौन कौन बने हैं, बिपिन रावत जी जो हैं हमारे जो हैं अभी क्या बने हैं, क्या बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार और देख लीजिएगा यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। धन्यवाद।